क्यों रे लच्चो, तू तो इधर का रास्ता ही भूल गई है। हाँ, वरना शकरपुर है ही कितना दूर यहाँ से। अच्छा, ये बात तू बोल रही है? ऐसा लगता है जैसे तू मेरे घर का हर रोज चक्कर लगा के जाती है। हाँ नहीं तो। अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इलायची के पापा है ना, वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जीजा जी तुझे आज भी छोड़ते नहीं है, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आलसी है इलायची के पापा, मेरे बिना एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पीते हैं। पता नहीं ये गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया है। तेरे गले में कहीं बाल वाल तो नहीं फंसा ना? पता नहीं, शायद हो सकता है। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। एक कटोरी में दूध ले और चाकू से उसे 2-3 बार काट ले, ठीक है? और उस दूध को ना जैसे नागिन दूध पीती है जीभ निकल के, ऐसे तू पी जा, देखना तेरे गले में जो बाल फंसा हुआ है ना वो झट करके निकल जाएगा। ये सब ना बड़े बुजुर्गों का आजमाया हुआ टोटका है। देखना इनका फोन आ रहा है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? याद करके पी लेना। हाँ नहीं तो। अरे उनको मैंने पहले भी समझाई थी, उनकी लुगाई के ग्रह में नाग नागिन का योग चल रहा था, उनकी लुगाई ने उन्हें काट खाया यार। इसका मतलब छोटे के मौसा ने जो कहा वो सच है, ये करू नागिन है नागिन। हे भगवान, इसका मतलब मैं इतने सालों से एक नागिन के साथ रह रहा था। अरे अच्छा हुआ उसने मुझे डसा नहीं, वरना मैं तो कब का टैम बोल लिया होता। अरे तूने मेरे साथ ऐसी नागिन को क्यों पल्ले बांध दिया? और एक साधारण नागिन नहीं है वो, एनाकोंडी है एनाकोंडी, पता नहीं कब निकल ले। सर जी, सब सब क्या 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 सेठ जी, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? नाना को जा, काम कर तू अपना। सेठ जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। इच्छाधारी नागिन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? इच्छाधारी नागिन पे क्या तुझे फिल्म बनानी है? फिल्म बनाने जा रहे हैं क्या उस पे? सेठ जी हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, आपने कभी इच्छाधारी नागिन देखी है? अरे तेरा दिमाग फिर गया क्या? इच्छाधारी नागिन देखी है? ऐसे में तो कोई सवाल मत करियो मुझसे तू। मैं ऐसे ही पूछ रहा था सेठ जी। अरे क्यों पूछ रहा है, क्या जरूरत है ऐसे सवाल करने की? सवाल करने तो अपने धंधे से संबंधित कर सवाल मुझसे, और खबरदार जो ऐसे बेतुके सवाल किए मुझसे तो। पापा। अरे आजा मेरी बच्ची, आजा 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 आजा। पापा। हाँ बेटा। वो आगे वाले चौक पे जो मामू बुक स्टॉल वाले ना, वहां से मुझे 2-3 कोश की बुक खरीदनी है। हाँ तो लिया, मैंने तुझे कोई पकड़ रखा है क्या? अरे ऐसे कैसे अकेले चली जाऊं? मतलब वहाँ पे ना 2-4 लड़के होते हैं ना, वो आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, और मुझे नहीं छेड़ना, मुझे ना बड़ा डर सा लगता है। अच्छा, दूसरे इलाके में जाके तो बड़े आराम से फिल्म देख आती है तू, अब तुझे अपने इलाके के चौराहे पे जाने में डर लग रहा है। हेलो हेलो, अरे बोल ले बोल ले। हाँ कुल, आवाज ना आ रही? एक मिनट रुक जा। हाँ सुन, अरे सुन हरिराम। अरे यार क्या है ये, क्या कर रहे हैं यार? हाँ बोल। चीचा जी, बिल वाले नागिनियां ले जाएंगे। ये बड़ी रोमांटिक सी मूवी लगी है, हम चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अरे कल डिस्पैच कर दो ना माल को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पैसे, अरे पैसे की बात करो, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है सुन, दरियागंज से माल आ रहा है कल, उतरवा लियो तू।
जी हाँ। अरे यार पापा कैसे पापा हो आप, मतलब इतनी प्यारी जवान सुशील सुंदर लड़की अकेले जाएगी, लड़के छेड़ेंगे, आपको शोभा देता ही है। तो क्या करूं, कमांडो लगवा दूं तेरे सुरक्षा के लिए, बॉडीगार्ड? देखिए कमांडो की जरूरत नहीं है, एक ही कमांडो काफी है। जीजा जी है ना, वो मेरे साथ चल सकते हैं। अरे इसे मैंने अपनी दुकान पे काम करने के लिए रखा है, तू कह रही मेरे साथ चल सकते हैं? अरे कैसे बाप हो तुम, जब लड़की पंचम को अपने साथ ले जाना चाह रही तो क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो? कम से कम लड़की सुरक्षित तो रहेगी ना। जा, 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 जा। सर जी काम है। अरे जा, मैं देख लूंगा, तू जा। सर जी अरे मैं देख लूंगा, अरे तू जा ना, जा जा जा, जल्दी जा, जा 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 जा। कैसा महसूस कर रही हो? ठीक महसूस कर रही हूँ। चूहे हुए लाऊं क्या? क्या कहा? नहीं मेरा मतलब है घर में बहुत चूहे हो गए ना। हाँ चूहे तो बहुत हो गए। अरे तुम वो लाओ ना, वो चूहे पकड़ने की मशीन। तू है फिर मशीन की क्या जरूरत है? क्या कहा? नहीं मैं ले आऊंगा, मैं कह रहा हूँ ले आऊंगा, ले आऊंगा, ले आऊंगा। चूहों को तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ तेरी चूहों से तो जाती दुश्मनी है। तुम ये क्या मुँह में बड़बड़ाए जा रहे हो? ना ना अब कुछ ना, मुझे ठंड लग रही है ना इसलिए। सुनो ना, वो मोती सिनेमा है ना, वहां पे फिल्म लगी है, बिल वाले नागिनियां ले जाएंगे। तो उसकी 2 टिकट मंगवा ली है मैंने, हम दोनों चल रहे हैं। चलो। बिल वाले नागिनियां ले जाएंगे। जाना ही पड़ेगा वरना। 10 का 40, 10 का 40, 10 का। लो सेल्फी। इलायची जी का सॉरी, वो गलती से। देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि हम आपके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो हमें लात मार के नौकरी और छत दोनों जगह से निकाल देंगे। हाँ आपकी तब देखी जाएगी ना चीजा जी, अभी तो मूवी एंजॉय कीजिए ना मेरे साथ। मूवी एंजॉय कीजिए ना, पता नहीं नागिन के साथ कैसे मूवी एंजॉय करते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। कुछ कहा आपने? नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा। नहीं मैंने सुना। अच्छा आपने सुना? नहीं नहीं ऐसा लग रहा ना आपकी अंतरात्मा ना मुझे गालियां दे रही है। नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं। जो पता जो हीरो है ना वो एंड में मर जाता है क्योंकि नागिन उसको डस लेती है। पता क्यों चीजा जी? वो क्या होता है ना, नागिन की बात सुनता नहीं ना तो नागिन गुस्से में आकर डस लेती है उसे। मतलब हीरो मर जाता है क्या? हाँ भाभी, अब नागिन से पंगा लोगे तो मरोगी ना, क्यों जीजा जी? जीजा जी पॉपकॉर्न। उनके चक्कर में दुकान और बंद करनी पड़ गई। अरे एक दिन दुकान बंद रह जाएगी तो क्या आफत आ जाएगी? थोड़े मजे भी ले लिया करो, जब देखो तब लहंगो में उलझे रहते हो। और देखो 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 नागिन आई। तू निकल यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा, मैं पक्का।
पक्का ना अगर कुछ गड़बड़ की ना कुत्ते अरे यार जीजी डिस्टर्ब मत करो इतना इम्पोर्टेंट सीन है पता है पापा का अरे सुनिए तो कहो यार अच्छा अरे तुम तो वही सपेरा हो तुम क्यों फिल्म देखने आ गए तो सपेरा फिल्म नहीं देख सकते का और वैसे भी इस फिल्म में मेरी कैटरीना ने भी काम किया है कैटरीना हाँ कैटरीना कब से तुम्हारी हो गई अरे भैया वो मेरी मेरी नागिन का नाम है कैटरीना हाँ देखिए मेरी कैटरीना अरे यार अंकल पिक्चर देखने दो फिर फिर बैठ नीचे